कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे। उससे पहले जी न्यूज के लिए मैटराइज ने ओपिनियन पोल किया है। ये ओपिनियन पोल 29 मार्च से 30 अप्रैल के बीच किया गया। इस पोल में कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर 2,80,000 लोगों की राय ली गई है। ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 5% है। आपको बता दें कि ये चुनाव के नतीजे नहीं हैं, सिर्फ ओपिनियन पोल हैं। इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना समझा जाए। मोदी अंदरे विषद हावित ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। बंजारा का एक बेटा दिल्ली में बैठा है अंता। ऐसा बेटा बेटा तो कैसा होता भाई। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे साथ है नहीं शोभना, अपनी हाजिरी खुद लगाएंगी। बिल्कुल, और मैं आपके साथ शोभना यादव। अगले 2 घंटे यानी 7 बजे से रात के 9 बजे तक जी न्यूज से नजर मत हटाइएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि 13 मई के बाद कर्नाटक में किसकी सरकार बन सकती है। अगले 2 घंटों में आप जान जाएंगे कि क्या बीजेपी कर्नाटक की सत्ता बचा पाएगी या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी और कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस कैसा प्रदर्शन करेगी। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे, यानी आज से ठीक 12 दिन बाद सबको ये पता चल जाएगा कि कर्नाटक का किला कौन जीता। लेकिन नतीजों से 12 दिन पहले यानी आज जी न्यूज के ओपिनियन पोल में आपको 13 मई की तस्वीर दिख जाएगी। क्यों चोपड़ा? बिल्कुल, और 13 मई का इंतजार है। हम आपको बता दें कि जी न्यूज के लिए ये ओपिनियन पोल मैटराइज ने किया है। इस ओपिनियन पोल के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की कि कर्नाटक की जनता के मन में आखिर है क्या। हम एक बार फिर दोहरा दें कि कर्नाटक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चुनाव में जनता की क्या है राय, इस ओपिनियन पोल के जरिए हम आपको बताएंगे। उनका वोट ही सर्वोपरि होता है और ये ओपिनियन पोल उनकी राय का इशारा भर है। ये कहीं से भी चुनाव के नतीजे नहीं है और जी न्यूज के ओपिनियन पोल के आंकड़ों को कहीं से भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना समझा जाए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। चुनावी विश्लेषक मनोज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी श्रीनाथन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जी न्यूज और मैटराइज का ओपिनियन पोल कर्नाटक चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। और कर्नाटक में खिलेगा कमल या चलेगा पंजा, कुछ देर में कर्नाटक की 224 सीटों का हाल हम बताएंगे। इस बार ये भी बताएंगे कि कर्नाटक में कौन सरकार बनाएगा। सबसे बड़ा सैंपल साइज है हमारा। बिल्कुल, और जी न्यूज और मेटेराइज का ओपिनियन पोल हम आपको दिखाएंगे। जनता ने कसी कमर, वादों का होगा कितना असर, मोदी का प्रचार करेगा बीजेपी का बेड़ा पार या डबल इंजन की सरकार, होगी जीत या हार, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को पहुंचाएगी कितना फायदा। सरकार का काम, जनता किसे देगी इनाम, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और कर्नाटक चुनाव का माहौल तब गर्माया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जहरीले सांप से कर दी और इसके बाद तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच इतने शब्द बाण चले कि नेताओं के तरकश खाली हो गए। दीपक, और आज के इस ओपिनियन पोल की शुरुआत भी कर्नाटक के सबसे गर्मा गर्म मुद्दे से ही करते हैं। हमने कर्नाटक के मतदाताओं से पूछा कि पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उनकी क्या राय है।
जवाब में 56% मतदाताओं ने कहा कि खरगे के उस बयान से बीजेपी को फायदा हो सकता है, जबकि 32% लोगों ने माना कि इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। तो वहीं 12% मतदाताओं ने इस सवाल पर चुप रहना ही बेहतर समझा। यानी एक बार फिर, जैसा कि दीपक हम पहले से कहते आए हैं कि जब जब मोदी को कोसा गया है बीजेपी को फायदा हुआ है, इस सवाल में भी वही राय निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, और शोभना सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा सैंपल साइज क्या है, क्या है मनोज जी बताइए, क्या है सैंपल साइज और कैसे सबसे अलग है? चीजों से कर दूं, ये मेरा जो लिया गया ओपिनियन पोल लोगों के बीच में, वो कैटी के थ्रू भी है और फेस टू फेस भी है। 29 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में हम लोगों ने किया था। चुनाव शुरुआत के दौर से अभी तक हम लोग कर रहे हैं, और आपको फर्स्ट जिस दिन चुनाव घोषणा हुआ था उस समय भी हम लोग ने जी टीवी के ऊपर बैठकर ये सारी किए थे। हमने इसमें 1,80,000 के करीब हम लोगों ने पुरुष मतदाता को लेकर रखे हुए हैं, और वही 1,12,000 करीब महिला मतदाताओं का भी लिया गया। इसमें दोनों लोगों की संख्या, ग्रामीण संख्या और शहरी जो मतदाता है, इन दोनों का हम लोगों ने राय लिया है। दो चीज़ें हैं, बार बार ये राजनीतिक पार्टियों से प्रश्न किया जाता है कि भाई हम प्रश्न हमसे करते हैं कि आप इतने बड़े विधानसभा 223-24 में जा रहे हैं और आप कहते हैं कि 1,00,000-1.5 लाख लोगों को लेकर आप बताते कैसे। देखिए दीपक जी, ये एक बड़ा सोची समझी तरीके से एक हम लोग सर्वे करते हैं, जिसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया सारे एक असेसमेंट को हम लोग अपने डेटा से टैली कराते हैं कि लोगों का क्या है, और उसके आधार पर हम आते हैं। और आपको बता दें कि कोई भी एजेंसी ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया असेसमेंट करता है, हम लोग अकेला करते हैं, और उसके लिए एक बड़ी टीम हमारे पास है कि सोशल मीडिया में क्या पब्लिक का ओपिनियन आता है। ठीक है, और अब सवाल का वक्त हो गया है, तो सवाल फटाफट अपने दर्शकों को बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, और इसी से जुड़ा हुआ है हमारे ओपिनियन पोल का अगला सवाल। हमने कर्नाटक के लोगों से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे, तो इस सवाल के जवाब में 44% मतदाताओं ने कहा कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेम चेंजर साबित होंगे, जबकि 34% लोग कह रहे हैं कि इस राय से कुछ हद तक तो हम सहमत हैं। तो वहीं 22% मतदाताओं ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी गेम चेंजर साबित नहीं होंगे। दीपक, बिल्कुल, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल साबित करता है कि पीएम मोदी अभी भी चुनाव के अंदर केंद्रीय फिगर, सेंट्रल फिगर बने हुए हैं। मनोज जी और श्री जी, मैं श्री जी के पास छोटा-छोटा सवाल बहुत सारे हैं, हमने जो पूछे हैं अपने दर्शकों। दीपक जी, आप देखें, वो गुजरात के बाद आप देखें साउथ में जहां पर मोदी इतना प्रभावशाली है वो कर्नाटका है। कर्नाटका को आप एक हिंदुत्व का लेबोरेटरी भी माना जाता है। वहां पर योगी जी, और मैं योगी जी का भी नाम ऐड करता हूँ, योगी जी और मोदी जी बहुत पॉपुलर है। अगला सवाल बिल्कुल दीपक, और जी न्यूज के लिए मैटराइज के ओपिनियन पोल में हमने पूछा कि डबल इंजन सरकार से कर्नाटक को कितना फायदा हुआ। इसके जवाब में 34% मतदाताओं ने कहा कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ, यानी 34% कह रहे हैं। वहीं 45% लोगों ने कहा कि डबल इंजन सरकार से थोड़ा फायदा हुआ, जबकि 21% लोगों ने कहा डबल इंजन से कोई सरकार फायदा नहीं हुआ। कैसे लेंगे दीपक इसको? ठीक है, अभी देखते हैं और क्या क्या सवाल बोलते हैं, उसके बाद पिटारा भी हम बोल देंगे। तो तीसरा सवाल पूछ लें अब हम। एक बार दीपक जी बोलना चाहता हूँ इस पे, ये क्वेश्चन जो आया था, हम लोगों ने कम से कम 8-10 शहरों में लोगों के बीच में ये जाना गया कि भाई डबल इंजन की सरकार से क्या फायदा है और क्यों करते हैं। तो पब्लिक का ये कहना था कि देखिए, जब से डबल इंजन की सरकार आई है कर्नाटका में विकास दिखा है, और ये इसलिए दिखा है। अगला सवाल, तो लोग ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आई है तब से फायदा हुआ है। तो इस समय हम आपको बता दें बड़ी खबर, हमने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी लोगों से सवाल किया था। जी न्यूज का ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं, हमने पूछा कि इस यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। जवाब में केवल 12% लोग ही कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस को फायदा होगा। 26% लोगों की राय में थी कि इससे कांग्रेस को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा आंकड़ा यह कह रहा है 62% का कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे, क्विक लाइन? देखिए, फायदा हो या नहीं हो, लेकिन हमारे कांग्रेसी मित्र तो सारा श्रेय राहुल जी को देने वाले हैं अगर प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, और अगर नहीं होता है तो सारा दोष स्वयं के ऊपर डालने वाले।
तो, ये तो हर पार्टी में होता है, ये तो हर पार्टी में होता है, जीत का सारा क्रेडिट मोदी जी को, लेकिन अगर अच्छा ना हो तो फिर वही लगता है लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की। अगले सवाल का वक्त हो गया है दीपक, मुझे लगता है अगले सवाल का रुख करना चाहिए। जी न्यूज और मेटराइज का ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल की यात्रा का असर नहीं है, पोल का आंकड़ा यही कह रहा है। अगले सवाल का हम रुख कर लेते हैं, हमने राज्य सरकार के कामकाज पर भी रायशुमारी की। जब हमने पूछा कि राज्य सरकार के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट हैं, तो 28% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट हैं, जबकि 38% लोग थोड़ा संतुष्ट नजर आए, और वहीं 34% लोगों ने कहा कि वो राज्य सरकार के काम से खुश नहीं है। दीपक, ठीक है, तो ये क्या दिखाता है संगीत रागी जी, एक ट्वीट जवाब। देखिए 38% जो थोड़ा संतुष्ट है, और ये जो थोड़ा संतुष्ट है वो पाले जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। कई बार आप देखते होंगे कि आप अपनी ही सरकारों से भी बहुत ज़्यादा लोग, उम्मीदें बहुत होती हैं, और जब आप उतना नहीं होते हैं तो उसमें अपनी राय सुमारी में वो कहते हैं कि असंतुष्ट हैं। सबसे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि कितने लोग कह रहे हैं कि असंतुष्ट होने के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, ये भी आंकड़ा आपको जरूर आया होगा। मनोज जी बेहतर जानते होंगे, अभी बताएंगे नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी है। और एक बात और देख लीजिए, जो शुरुआत में आपने आंकड़ा दिखाया वो 34% और 32%, वो कम से कम 66% का आंकड़ा वो है जो करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये बात कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात एक निकल कर आई कि कांग्रेस की जो राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत छोड़ो यात्रा थी, जिसके बारे में इतना ग्लैमराइज किया गया और उससे लगा कि नहीं, एक बहुत बड़ा लोगों के मन में परिवर्तन आया है, कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ा है, वो इस ओपिनियन पोल में कहीं पर हमको दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, और देखिए संगीत रागी ने अपनी अपनी बात कह दी है, और दीपक देखिए अब मैं एलईडी वॉल पर आ चुकी हूँ, और यहाँ पर हम सवाल अपने दर्शकों से पूछेंगे और बताएंगे कि भाई क्या उनकी राय है। तो ओपिनियन पोल में हमने पूछा कि कर्नाटक के लोग इस बार मुख्यमंत्री के कामकाज से कितने संतुष्ट है, यानी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की बात हो रही है, संतुष्ट दिखने वाले 30% लोग हैं मुख्यमंत्री बोम्मई के काम से संतुष्ट, थोड़ा संतुष्ट दिखने वाले 41% लोग हैं, और बहुत संतुष्ट दिखने वाले यानी जो असंतुष्ट है अब उनका आंकड़ा आ गया 29%। दीपक क्या कहेंगे इस आंकड़े को देखे, 29% लोग कह रहे हैं कि साहब बसवराज बोम्मई से हम असंतुष्ट हैं, 30% छोटा है, ये से संतुष्ट है कि एंटी इनकंबेंसी नहीं हो सकता, जो फर्क है वो बहुत कम है। दीपक ठीक, एंटी इनकंबेंसी इस पर आएंगे हम, लेकिन मैं अभी आपको एक और बड़ी खबर देता हूँ, वो ये है कि जी न्यूज का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। हमारा हैशटैग क्या है लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और हम आपको बता दें इस वक्त हम नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहे हैं ओपिनियन पोल, जी न्यूज का ओपिनियन पोल इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। आप आइए, आप भी ट्वीट करिए, अपनी राय देखिए, क्योंकि अभी तक हमने आंकड़ों का पिटारा नहीं खोला है, खुलने वाला है, लेकिन पहले जनता के मूड को समझ लीजिए। शोभना के साथ, शोभना। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, और अगला सवाल बहुत ही दिलचस्प, सरकार और मुख्यमंत्री के बाद सवाल उठा विधायकों का, हमने बिल्कुल, और हमने पूछा लोगों से पूछा कि वो अपने विधायक के कामकाज से कितना संतुष्ट है, विधायक के कामकाज से। देखिए ये अपना विधायक जिसको वोट देती है वहां की जनता, संतुष्ट दिखने वाले 24% लोग हैं, अपना यानी वो किसी भी पार्टी का विधायक हो सकता है, वो बीजेपी का भी हो सकता है, जेडीएस का भी, थोड़ा संतुष्ट दिखने वाले 34% लोग हैं, और असंतुष्ट कितने परसेंट लोग दिख रहे हैं ये आंकड़ा भी आपके सामने आने वाला है, असंतुष्ट दिखने वाले 42% लोग हैं। दीपक इससे क्या मतलब निकाले हम, क्या हम इससे ये मतलब निकाले कि अपने एरिया के विधायक से असंतुष्ट होने वाला जो परसेंटेज है वो ज्यादा है? तो आंकड़ा आपके सामने है, असंतुष्ट दिखने वाले लोग दीपक ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी जिस पार्टी का विधायक 2018 में जीता था उससे लोग खुश नहीं है। दीपक ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, तुरंत ट्वीट करिए ओपिनियन पोल ऑन जी नंबर 3 पर, ट्विटर पर हम ट्रेंड कर रहे हैं, और शोभना हम आएंगे इन आंकड़ों पर, इस पर एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे। अगला सवाल लीजिए, फिर हम आंकड़ों पर और एक एक हमारे चारों एक्सपर्ट हैं उनके रिएक्शन लेते हैं। तो पहले दीपक हम सवाल ले लें? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमने लोगों से ये भी सवाल किया कि उनकी नजर में बड़ा मुद्दा क्या है, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है क्योंकि गाली गलौज की जब राजनीति चल रही है तो लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कर्नाटक की जनता के लिए क्या है? तो देखिए भ्रष्टाचार जो है वो सिर्फ 4% लोगों के लिए मुद्दा है, इसका मतलब आगे जो मुद्दे हैं रोजगार, रोजगार का आंकड़ा थोड़ा बड़ा है, 12% लोग जो है वो कह रहे हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, जाति
जातिगत समीकरणों पे ही हिंदुस्तान की पूरी राजनीति निर्भर करती है, 6%। और सरकार का जो कामकाज है वो कह रहे हैं लोग कि 11% जो है वो सरकार के कामकाज पर, महंगाई जो है वो 3% लोगों के वोट देने पर निर्भर करती है। ये तमाम वो बड़े मुद्दे, नरेंद्र मोदी जिसको कहा जाता है कि जब ये नाम आता है तो सब कुछ फेल हो जाता है, तो 10% ये बहुत बड़ा वोट परसेंटेज की बात है। विकास की बात करें तो 7%, यानी मोदी फैक्टर के सामने ना महंगाई कुछ है, ना रोजगार कुछ है, ना गाली गलौज की कोई राजनीति, लेकिन अन्य जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है ये स्थानीय मुद्दे होंगे दीपक, जो 47% है। ठीक है, यहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा मनोज जी, भ्रष्टाचार को बनाने की कोशिश की गई है। देखिए बताइए, कांग्रेस वहीं जाकर फंसी है, उसने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया और पब्लिक ने उस मुद्दे को लिया ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि वहां के कर्नाटका के लोग डेवलपमेंट के ऊपर वोट कर रहे हैं और बीजेपी को यह सूट कर रहा था कि हम डेवलपमेंट के ऊपर ही चुनाव को कराएं, इसलिए भ्रष्टाचार को उन्होंने नकारा है। जो 40% कमीशन की बात हो रही थी तो ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा था, लग रहा था कि कर्नाटका में 40% जो कमीशन की बात हो रही है और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मेरे आंकड़े में कहीं से दिखा नहीं कि लोगों के लिए ये क्या है मुद्दे। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा 40% कमीशन वाली पार्टी। देखिए दीपक जी, नरेंद्र मोदी ने जाकर के और पहला ही अपने चुनावी अभियान में इस 40% के विमर्श को उलट करके कांग्रेस पर डाल दिया कि भाई आप तो 85% कमीशन खोर थे, राजीव जी 15% जाता था। अच्छा, ये 15% जाता था ये तो कांग्रेस का एक्सेप्टेड है। तो ये चीजें आज के दिन में, भ्रष्टाचार का मुद्दा यदि कांग्रेस उठाती है तो उसके लिए कहा जाता है डेविल इज कोटिंग द स्क्रिप्चर, जैसे कोई राक्षस जो है वो कोई वेद मंत्र का जाप करे, वैसा ही कुछ लगता है। बचेगा संगीत रागी जी, हेड स्पीच पे नया जो लॉ आया है, फंस जाएंगे उसमें आप। बहुत बहुत आप देखिएगा, मैं आपको कॉपी भेजूंगा। शोभना बिल्कुल ठीक है, और अगले सवाल का वक्त हो गया है दीपक। ओपिनियन पोल में हमने अगला सवाल पूछा है कि अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो चुनाव बाद किस गठबंधन सरकार की संभावना है। इस सवाल के नतीजे मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इस समय मैं आपको बता दूं कि जी न्यूज का ये ओपिनियन पोल नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अगर आप देख रहे हैं जी न्यूज तो फौरन अपना फोन उठाइए और ट्विटर पर ट्रेंडिंग है जी न्यूज का ये ओपिनियन पोल जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार सवालों का सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहे हैं, और ओपिनियन पोल में हमने सवाल पूछा कि अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो चुनाव बाद किस गठबंधन सरकार की संभावना है। ये सवाल का जवाब जो है वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन सरकार कांग्रेस और जेडीएस ने बनाई थी। बीजेपी और जेडीएस 54% लोग कह रहे हैं कि अगर बहुमत नहीं आया तो ये दोनों दल एक साथ आ सकते हैं। इस सवाल पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस और जेडीएस कहने वाले 28% लोग हैं, और अगर ये गठबंधन बनता है कहना मुश्किल, यानी अब बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई अभी पता नहीं, जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही तय होगा कि बीजेपी और जेडीएस साथ जाते हैं या कांग्रेस और जेडीएस साथ जाते हैं। दीपक, इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2018 में बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, और एक साल बाद येदियुरप्पा साहब मुख्यमंत्री बन गए थे। बिल्कुल, ये तो हमने देखा था, लेकिन अब क्या होगा, श्री क्या कहेंगे? अभी मैं पहले वाला क्वेश्चन में आ जाता हूँ। सारा मुद्दा जो है ना वो एक्लिप्स हो गया नरेंद्र मोदी जी फील्ड में जब निकला था। सारा मुद्दा पहले राउंड में आप देखिए वो एंटी इनकम्बेंसी करप्शन एक मुद्दा था, हमने ग्राउंड में गया था तो मुद्दा था, पर एक आप देखिए वो बीजेपी का कैंपेन पीक पे आया अभी तक आया नहीं है, पर अभी आते आते ही मोदी जी पूरा हावी हो गया है। अभी मोदी जी इज द इश्यू। बड़ा एक दिलचस्प आप देखेंगे बीजेपी की स्ट्रेटजी, कैंपेन स्ट्रेटजी यदि आप देखिएगा तो पहले वो अपने प्रतिद्वंदी को अपने कैंपेन को पिक पर ले जाने देता है और एक ढंग से उनको एग्जॉस्ट कर देता है, सारे विमर्श को खत्म कर देता है, और तब ऊपर से इनका जो ये जो क्लस्टर कहते हैं ना, क्लस्टर बॉम्बिंग, तब ये शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी जाकर के ग्राउंड तैयार करते हैं, नड्डा जी पहले जाते हैं, फिर अमित शाह जी कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, और उसके बाद जो बचा खुचा होता है आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश इलेक्शन में सारे लोग कह रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 180 से, आपने वो आंकड़ा देखा कि लास्ट जो 7 दिन था दैट
दैट चेंज कंप्लीटली द होल पिक्चर. संगीत राठी, इसका क्या सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है या कार्यकर्ताओं की मेहनत जमीन पर? देखिए, सारा श्रेय तो कहना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होगा. बीजेपी के नेताओं से आप पूछते तो बिल्कुल आप वही होता. लेकिन मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर इज द बिगेस्ट फैक्टर इन दिस इलेक्शन. उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी पर कोई आंच विपक्षी भी तैयार नहीं हो रहा है. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर. मैं एक बात इस पे कहना चाहता हूं कि ये वो आंकड़े हैं जो वहां के जनता ने बताया है. लोगों से जब पूछा गया कि भाई आप सरकार किस अलायंस के साथ बनाना चाह रहे हैं, बन सकती है, तो उनका कहना था कि जेडीएस बीजेपी का अलायंस सबसे बेहतर है. आप इस माइंड को समझिए कि पब्लिक यदि जेडीएस को छोड़ता है तो बीजेपी को पसंद करता है, थर्ड में जाके कांग्रेस को पसंद करता है. यही कारण है कि आप देखिएगा कि पूरे अशक्य पाएंगे, ऊपर से नीचे बीजेपी की जमीन दिखेगी. लेकिन मुझे एक बात बताइए, 2,80,000 का सिंपल साइज बड़ा सिंपल साइज है. मुझे ये भी आप समझाइए कि आपके जो अभी तक के आंकड़े हैं वो तो एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये तो प्रो बीजेपी, मतलब बीजेपी एडवांटेज बीजेपी, जैसे टेनिस में हम बोलते हैं ना एडवांटेज फलाना एडवांटेज स्टेफी ग्राफ, तो आप एडवांटेज बीजेपी शुरू में ही कह रहे हैं. नहीं, मैं तो आपके पहले जब आया था इसके पहले के ओपिनियन में तो मैं तो बोला था कि बीजेपी 100 और 102 के बीच में आएगी. ये तो चेंजेस तब आया है ना कि जब बीजेपी अपने प्रचार को जमीन पर लेकर आए हैं. आप देखिए, जब चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ और चुनाव के जस्ट पहले सारा कांग्रेस सूरत में फंसा हुआ था और बीजेपी 6 महीने से वहां पे तैयारी कर रही थी. आप साउथ का समझिए कि तमिलनाडु में 16-20% अपना बीजेपी वोट को बढ़ा लेती है. तो ये साउथ में किस तरीके से अपने काम कर रहे, बीजेपी का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है. ठीक है, प्रदीप कौशल जी, आपको क्या लग रहा है चुनाव बाद अगर बहुमत नहीं आता है तो किस कॉम्बिनेशन को आप बेहतर होते हुए देख रहे हैं, जेडीएस प्लस बीजेपी या जेडीएस प्लस कांग्रेस? क्या कह रहा है आपका अनुभव? देखिए, ये तो इसी पे निर्भर करेगा कि सीटें अंत में जाकर के किसकी अधिक आती हैं. तो जेडीएस जो है भाजपा, उसकी भूमिका को जहाँ तक संभव हो सके नगण्य करना चाह रही है. इसीलिए वो कह रही है निरंतर, प्रधानमंत्री तक ने कहा कि जेडीएस को दिया हुआ वोट कांग्रेस का वोट है. जेडीएस और कांग्रेस जो है उनका तालमेल जो है उसके होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि भाजपा कहीं अंकुश लगाती है जेडीएस के ऊपर, कांग्रेस उनको खुली छूट देने वाली है. तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अगर भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं लेती है और बहुमत से थोड़ी ज़्यादा दूर चली जाती है तो जेडीएस की पहली चॉइस जो है वो कांग्रेस होगी. ठीक है, आपको जेडीएस की पहली चॉइस कांग्रेस लगती है? जी, आप बताइए. मेरे ख्याल से वो जेडीएस बीजेपी के साथ जाने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए क्योंकि इससे अच्छी बात क्या होगी, दोनों हाथ में लड्डू है. कुमार स्वामी तो आपका देख के खुश हो गया. बल्ले बल्ले, संगीत रागी जी, एक क्विक कमेंट. मैं आज ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 200% जेडीएस बीजेपी के साथ जाएगी. मतलब बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है, ये भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी संभावना, आपने सवाल ही किया था इसी बात से कि ऐसी संभावना होती है तब. इसके दो कारण हो सकते, मेरा मानना है कि देखिए, एक बार कुमार स्वामी चाहेंगे कि मैं वहां का मुख्यमंत्री बनूं, जो कांग्रेस होने नहीं देगी. तो जब सेकंड मैन ही बन के रहना है तो मैं बीजेपी जो कि सेंट्रल में भी और यहाँ भी है वहां बैठकर अपने को क्यों नहीं सुरक्षित है? पिछले बार आपने क्या हुआ था? आप इसको ऐसे देख रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस को रोकना है तो वो इस समीकरण पर भी एग्री कर सकती है कि कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनाना है? नहीं, एक्सेप्ट करेगी, पहले बना चुकी है कुमार स्वामी, पहले बना चुकी है. लेकिन इस बार क्योंकि भाई पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का इस तरीके से दबदबा नहीं था, अब बीजेपी दूसरी स्थिति में है. दीपक, मैं पूछ रही हूँ श्री आपसे. हेलो, ये एक बात बताना चाहता हूँ. वहाँ पर आप देखिए, वो मोदी जी का जो कुमारस्वामी के फैमिली के साथ, देवगौड़ा के साथ जो रिश्ता है, उन्होंने अभी तक अच्छा सा, देवगौड़ा ने स्टेटमेंट भी दिया है उसके बीच में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे. तो आप देखें तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से जेडीएस बीजेपी के साथ जाने का ज्यादा चांसेस है, और सेंटर में भी जैसे उन्होंने बताया था सेंटर में भी चांसेस है. ठीक है, आगे चले उससे पहले मैं एक बात पूछ लेता हूँ. संगीत रागी जी, मुझे बताइए, ये दोनों हाथ में लड्डू वाली राजनीति क्या होती है? कुछ भी हो बीजेपी सरकार बना लेगी, ये कौन सा दुख है? देखिए, उसका कारण है कि कोई भी रीजनल पार्टी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है कि कांग्रेस के साथ जाने में उसे कोई फायदा नहीं है.
अच्छा, दूसरी बात आप देखेंगे कि दोनों का जो वोट बैंक है वो अलग अलग वोट बैंक है। जेडीएस का जो वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक, वो दोनों से टकरा नहीं रहे हैं। कांग्रेस के साथ उसका टकराव है, इसलिए यदि कांग्रेस के साथ जाती है तो आप देखेंगे कि वो आपस में टकराते हैं और फिर उनके बीच में तकरार शुरू होती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सत्ता में रहने के बावजूद भी दोनों पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को सुरक्षित रख पाती हैं। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और मुझ की सरकार है केंद्र में, और 2029 छोड़ दीजिए, कांग्रेस के अंदर के आप अंदर खाने आप हमसे बेहतर जानते हैं। संगीत रागी, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि दर्शक जो है वो सवालों का इंतजार कर रहे हैं और हम इस पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। तो अगला सवाल ओपिनियन पोल में, कर्नाटक के लिए सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन होगा, सबसे बेहतर सीएम चेहरा कौन होगा, उस पर जब हमने सवाल पूछा, देखिए कर्नाटक विधानसभा भी आपको लगातार दिख रही है, सिद्धारमैया कहने वाले 24% लोग हैं कि सिद्धारमैया जो है वो 24% लोग कह रहे हैं कि सिद्धारमैया जो है वो चॉइस अच्छी है। बसवराज बोम्मई जो इस समय मुख्यमंत्री है बीजेपी के, उनको कहने वाले 28% लोग हैं, यानी बीजेपी का बसवराज बोम्मई का जो चेहरा है वो 28% लोगों की पसंद है। एचडी कुमार स्वामी जेडीएस से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, 11% लोग कह रहे हैं कि एचडी कुमार स्वामी। अब अगला डीके शिव कुमार, एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का, 14% लोग कह रहे हैं, यानी इसमें जो बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बसवराज बोम्मई दिखाई दे रहे हैं। सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो है वो बसवराज बोम्मई निकल कर आ रहे हैं, 24% के साथ सिद्धारमैया और 28% के साथ बसवराज बोम्मई, अन्य जो है ये 23%। दीपक, ये अन्य कौन हो सकता है? मुझे तो यही चार बड़े चेहरे पता है बेंगलुरु कर्नाटक में। अरे लॉटरी अगर किसी लगती है तो किसी की भी लग सकती है, क्यों प्रदीप जी? बिल्कुल, और अगर भाजपा को मुख्यमंत्री नामित करना हो तो भाजपा भी किसी नए चेहरे को जो है वो उस पर बाजी लगा सकती है। और जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, वो तो दो बड़े नेताओं के बीच में से ही उसको चयन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये भाजपा में संभावना अधिक है। बोम्बई बसवराज बोम्बई क्यों इतने हाई परसेंटेज के साथ, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। सबसे 28% जो है बहुत छोटा कार्यकाल उनका रहा है, लेकिन पब्लिक उनके कार्य से कभी नाराजगी व्यक्त नहीं की है। इन्होंने जो इतने कम समय में अपनी इमेज को जो बना के रखा था, ये काफी अच्छा इमेज था उनका, और इनको ज्यादा समय मिला होता तो हो सकता है कि और बेहतर इनको मिलते उन पे। दीपक जी, एक कोई चेहरा होता है जो फ्लैम्बॉयंट चेहरा होता है, आप देखेंगे वो हमेशा मीडिया में रहेगा, मीडिया के ग्लेयर में हमेशा रहता है। आपने देखा होगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, धामी जी को आपने देखा होगा, वो कहीं बहुत ज़्यादा मीडिया के ग्लेयर में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस दिया और जनता उन पर विश्वास की। मुझे लगता है कि येदियुरप्पा जी की बात अलग थी, मतलब उनकी एक छवि बहुत बड़ी थी, उस छवि से तुलना यदि आप इनसे करते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत छोटा ये है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत छवि बहुत साफ सुथरी है, और वो कई बार नेतृत्व के मामले में यही होता है यार, हो सकता है बीजेपी में ये अमुक लोग गलत है, प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार है कि मोदी और अमित शाह जो है वो सरप्राइज देने में ज्यादा यकीन करते हैं। तो कर्नाटक चुनाव पर जी न्यूज का ये ओपिनियन पोल बहुत ही दिलचस्प पड़ाव पर है।